नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो। इसे आप सुन सकते हैं 91.2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में। मैं ललिता बिष्ट और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मिस हिमानी शाह। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस विभाग से हैं और आज हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के MCA प्रवेश फॉर्म को भरने के विषय में। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सहज बना दिया है। सबसे पहले आपको हमारे विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका वेब एड्रेस है uou.ac.in। आप जब होम पेज पे जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के, तो उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देखेंगे कि एक MRQ मूव करेगा जिसमें नोटिस है एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA/MCA/BEd। ये एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक एक पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। इस पेज में फर्दर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एडमिशन ओपन इन MBA/MCA/BEd। आप क्लिक कीजिए एडमिशन इन MCA। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आप रिडायरेक्ट होंगे एक पेज पे डिक्लेरेशन फॉर MCA एडमिशन। अब इस डिक्लेरेशन वाले पेज को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसमें आपका जो नियम और शर्तें हैं, मेक श्योर कि वो सारी शर्तें आप फुलफिल करते हैं, क्योंकि वो आपकी भविष्य के लिए भी आपके MCA की एलिजिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। तो और उसके बॉटम में आप देखेंगे तो 5 टैब्स दिए गए हैं जो कि लिंक है, जो 5 टैब्स है। पहला टैब है गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन टू MCA प्रोग्राम, दूसरा है सिलेबस फॉर MCA, तीसरा है सिलेबस फॉर MCA ब्रिज, चौथा है सिलेबस फॉर MCA एंट्रेंस और लास्ट है AICTE अप्रूव लेटर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला टैब है जो कि गाइडलाइंस है, जो कि आपको MCA में एडमिशंस दिला सकती है। इस टैब को अवश्य क्लिक करें और इसमें दी गई जानकारी को पूरी तरह आप सुनिश्चित कर लें। इसमें आपको प्रवेश से लेकर पूरे कोर्स प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है MCA प्रोग्राम का, उसकी डिटेल्स मिलेंगी आपको। फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स मिलेंगी, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, क्या आप उस एलिजिबिलिटी के बेसिस पे MCA के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसकी डिटेल्स मिलेंगी। या आप MCA ब्रिज के एलिजिबल हैं तो हाँ, एक ऑप्शन रहता है MCA ब्रिज का। अगर आप डायरेक्टली MCA के लिए एलिजिबल नहीं है तो MCA ब्रिज के थ्रू अगर आप MCA के लिए एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं तो उसकी जानकारी भी आपको वहीं मिले। देखिए, जैसे कि आपने घोषणा पत्र पढ़ के आई एग्री के विकल्प पर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि आपके विंडो पे ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता और संपर्क का विवरण देना होगा। ध्यान रखें कि ये जानकारी आपको बिल्कुल सही भरनी होगी। आपको इसको और सहज करने के लिए आप अपने हाई स्कूल प्रमाण पत्र को साथ में रख सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपियां, जो भी आप फोटो आपके है और सिग्नेचर, उसकी स्कैन कॉपीज को आपको अपलोड करना होगा। अब इस चीज में हमने अक्सर देखा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त हमें फोटो अपलोड करने के ऑप्शन में और सिग्नेचर अपलोड करने के ऑप्शन में कुछ पैरामीटर्स मेंशन होते हैं, उनका फोटो का फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, और साइज, दो चीजें। ये फोटो का तो अमूमन JPEG फॉर्मेट रहता है जो कि आपके पास होगा, लेकिन साइज वेरी होते हैं। बट साइज का आप ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार मेंशन रहता है कि 50 KB की मैक्सिमम लिमिट होती है या 100 KB की साइज अलाउड है। अब अगर आपके पास वो है तो सुनिश्चित करें कि उसी साइज का डॉक्यूमेंट है। इन केस नहीं है तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। आप सिंपल कोई भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, आप सिंपल पेंट का यूज करके अपनी फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके फर्दर अपलोड कर सकते हैं, फिर आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म पूरा भरने के बाद जब आपने अपनी पूरी डिटेल, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल फुलफिल कर दी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, आप देखेंगे कि आपके पास एक फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपका जो फीस पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही करना है और उसके बाद आपकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसको आप अपने फ्यूचर के लिए उसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करके सिस्टम में सेव रखें। और देखिए, इसमें मैं बीच में बोलना चाहूंगी मैम, कई बार होता है हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं और फी पेमेंट के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, सर्वर डाउन है या सर्वर का कोई इशू चल रहा है, तो ये होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से तो पैसा डेबिट हो गया बट यूनिवर्सिटी एंड में वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आपका फॉर्म फर्दर आगे जो फी पेमेंट का ऑप्शन है वो आपका पेड नहीं दिखा रहा, पेड नहीं आता। ऐसे केस में आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है कि बैंक की तरफ से आपको एक रेफरेंस आईडी जरूर मिलती है हमेशा, कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट करे तो एक रेफरेंस आईडी मिलती है, उस रेफरेंस आईडी को सेव रखें, स्क्रीनशॉट लीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हर स्टेप का स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ रखें।
और जो मैसेज आपको बैंक की तरफ से कंफर्मेशन आया है उसका प्रूफ रखें, उनको अटैच करके आप हमारा एडमिशन सेल बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसमें admission@uou.ac.in में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी प्रॉब्लम मेंशन करके इमीडिएटली ईमेल कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व होती है एडमिशन से आपको कंफर्मेशन का भी मेल आएगा। हाँ, और इसमें एक और चीज हमने नोटिस की है। हाँ, दूसरी चीज मैम, स्टूडेंट बहुत से ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं साइबर कैफे से अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो होता क्या है किसी के पास हर लर्नर के पास हर स्टूडेंट के पास जरूरी नहीं है कि लैपटॉप या कंप्यूटर घर पे हो। कंफर्मेशन का जो उनका मेल आता है यूनिवर्सिटी की साइड से वो साइबर कैफे की मेल आईडी में आता है, तो आप कोशिश ये करिएगा जो आपके ऑनलाइन फॉर्म में ईमेल का ऑप्शन है उसमें आप अपनी ईमेल डालिए। हाँ, ये चीज आप बहुत कोशिश नहीं करनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर ही यूज करें, चाहे आप अपने पर्सनल सिस्टम से फॉर्म फिलअप करें या आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, आप साइबर कैफे में हैं, आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं, बट कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनल डिटेल्स ही एंटर करें, क्योंकि भविष्य में जो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी आपसे करेगी वो उसी मेल में करेगी, उसी मेल आईडी में आपको मेल जाएंगे। तो अभी तक जो भी हमने आपको बताया उसका हम एक शॉर्ट एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो रहा है किस तरीके वो से जो स्टेप वाइज हम आपको थोड़ा सा उसमें गाइड करेंगे। जब आप देखेंगे कि मेन एप्लीकेशन फॉर्म का पेज खुलता है उसमें आप टॉप में देखेंगे कि पहला ऑप्शन आता है सेशन, और सेशन मेरे को लगता है आप बहुत क्लियरली ऑप्ट कर सकते हैं July 2024, ये आपका सेशन जैसे आपका एडमिशन हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो आ रहा है वो है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम सेक्शन में आप देखेंगे जब आप एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है जिसमें दो ऑप्शन है MCA 21 और MCA Bridge, उसके बाद आपका आएगा वही पर्सनल डिटेल है नेम फादर्स नेम। एक मिनट मैम, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी। हाँ। मैं चाहूंगी कि MCA 21 और MCA Bridge के लिए मैं थोड़ा सा इन्हें और गाइड कर दूं बच्चों को। MCA 21 कि जो मैंने आपको इससे पहले वाले पेज में बताया था कि गाइडलाइंस जहां मेंशन है उनको आप जरूर पढ़ लें। ये जो ऑप्शंस आप ऑप्ट करेंगे, प्रोग्राम आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, एमसीए किस के लिए या एमसीए ब्रिज के लिए, ये आप उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको दिया हुआ है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अगर क्या है जिसके बेसिस पे आप एमसीए 21 में एडमिशन ले सकते हैं और क्या मिसिंग है जिसके लिए आपको ब्रिज कोर्स के थ्रू एमसीए एडमिशन लेना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद कि आप कौन से प्रोग्राम में इनरोल होंगे, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपनी एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है और उसके बाद फीस पेमेंट करना है, तो ये बहुत सरल है हमारे वहाँ एडमिशन लेने की प्रक्रिया। हमने कोशिश की है कि ये चीजें आपके लिए थोड़ी और आसान, आपको आसानी से कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप करें। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी गिवन है और आपको मैंने ईमेल आईडी जो admission@uou.ac.in है उस पे आप अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। थैंक यू लर्नर्स, आज हमारे तरफ से इतना ही। थैंक यू।